यस मैम। तो ये जो बलम अनतिक्रम्य है, ये जो अनतिक्रम्य है ये कौन सा पद हो गया? ये अव्यय पद कहलाता है। क्लियर? अनतिक्रम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो आप किसी के भी साथ लगा सकते हो। यदि बलम को हटा दिया जाए उसके साथ रूपम अनतिक्रम कर दिए तो रूप निरंतर चलने वाला, ये इसका मीनिंग होता है। तो अनतिक्रम्य मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और जब हम बलम अनतिक्रम्य को जोड़कर सामासिक पद बना रहे, एक पद बना रहे, तो ये क्या हो जाएगा? यथा बलम। ऐसे ही, हाँ बोलिए। वैसे ही दूसरा देखिए, रूपस्य योग्यम, रूपस रूप के योग्य, योग्य कुछ भी हो सकता है, रूप की जगह में हम कुछ भी लगा सकते हैं। बलस्य योग्यम, भोजनस्य योग्यम, इस टाइप से। योग्यम जो शब्द है वो आपका अव्यय पद हो गया, और जब हम इसे जोड़कर लिखते हैं, एक पद बनाकर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अनुरूपम। ग्रहम ग्रहम का प्रतिग्रहम हो जाएगा, आमरणात् का होगा आमरणम, उसके बाद अक्षणा प्रति का हो जाएगा प्रत्यक्षम, जनानाम अभावा का हो जाएगा निर्जनम, कृष्ण से समीपम का हो जाएगा उपकृष्णम। ये था आपका अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, बाकी जो पद रहेंगे वो अव्यय पद होते हैं। क्लियर हो गया आपको? यस मैम। अब इसी में देखिए, सेकंड है तत्पुरुष समास। इसकी विशेषता है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जस्ट अव्ययी भाव का उल्टा है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीय से सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, तृतीय विभक्ति लगानी है, वो द्वितीय से सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। इस आधार पर इसके छह भेद किए गए हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा भेद में, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी। क्लियर? तो इसमें आपको मेन जो ध्यान देने योग्य बात है वो है इसका दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए आपको दिया है ग्रामम गतः, दूसरा पद क्या है? गतः, जाने की क्रिया हो रही है। कहाँ? गांव जाने की क्रिया हो रही है। यदि हम ग्राम की जगह पर दूसरे शब्द को ले लेते हैं विद्यालय, तो विद्यालय जाने की क्रिया होगी। हम वहां लिख देते हैं अस्पताल, कुछ भी लिखे लेकिन जाने की क्रिया हो रही है, दूसरा पद इसमें प्रधान बता रहा है। तो ग्रामम गतः, गांव जाने की क्रिया हो रही है, इसमें गांव जाना, तो इसका ये समझ आया। समास उपक्रम में दूसरी जो क्रिया है उसके साथ आप कोई भी शब्द लगाओगे वो क्रिया उसके साथ ही होगी, तो इसमें दूसरा पद प्रधान बताया गया है। सामासिक पद में ग्रामम गतः का हो जाएगा ग्राम गतः। जब हम दो पद को जोड़कर एक पद में बनाए तो क्या हो जाएगा? ग्राम गतः, गांव गया, ये हो जाएगा। उसी तरह से जीवनम प्राप्तः, इसका हो जाएगा जीवन प्राप्तः, सुखम आपन्ना, सुखापन्ना। क्लियर हो गए? इसी तरह से ये द्वितीय तृतीय चतुर्थी, आगे मैं और भी भेजती हूँ, उसमें देखिएगा पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये विभक्ति भी दी है जिसमें भी इसी प्रकार के स्वरूप चल रहे हैं। देखिए पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति इसी प्रकार से है। फिर आगे हम आते हैं, ये जो आपको तत्पुरुष दिया है नए तत्पुरुष समास, ठीक। नए तत्पुरुष समास का मतलब होता है तत्पुरुष समास का एक भेद नए समास है। नए का मतलब होता है नहीं, ओके। नहीं अर्थ वाले नए का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नए समास कहते हैं।
न के बाद व्यंजन हो तो न का अशेष रहता है और बाद में स्वर होने पर न का अन हो जाता है। अब देखते हैं कैसे होता है। देखिए पहला आपको समास विग्रह में लिखा है न ब्राह्मण, क्या लिखा है न ब्राह्मण, ये लिखा है। अब इसका जब हम समास विग्रह में लिखा है, जब इसको हम एक पद में लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया अब्राह्मण, मतलब न हटा के हमने क्या लगाया अ, मीनिंग दोनों का सेम है। न ब्राह्मण मतलब ये ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मण का भी मीनिंग वही है कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। बस समास विग्रह में न ब्राह्मण की जगह में हमें सामासिक पद में क्या बनाना पड़ा अब्राह्मण। उसी प्रकार से न प्रिय अप्रिय, न उपस्थित अनुपस्थित, न उदारा अनुदारा, न आवश्यक अनावश्यक। समझ आ गया ये आपको? यस मैम। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम द्वंद समास। अब हमारा तीसरा समास कौन सा होगा? द्वंद समास। द्वंद समास में आपको बता रहा है जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की, मतलब जितने भी पद होंगे सब अपने आप में प्रधान होंगे, इसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। इसका अर्थ करने पर पदों के बीच में और अर्थ निकलता है। कुछ जगह द्वंद्व समास होने पर समूह का भी अर्थ होता है और पूरा पद एक वचनांत हो जाता है। देखिए जैसे इसमें द्वंद्व समास में आपको उदाहरण में बता रहा है कि सीता च रामा च, जब हम इसका सामासिक पद करते हैं तो क्या लिखेंगे सीता रामा, इसमें विभक्ति लग गई है। फिर सेकंड बता रहा है आपको पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्र पुष्प फलानि, इसमें बोल रहा है सभी पद अपने आप में प्रधान होंगे, तो सीता भी अपने में प्रधान है, राम भी अपने में प्रधान है। ये जो च लगे हैं ये अव्यय पद आते हैं, मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, ये सारे जो हैं समास में ये जो अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये हम अव्यय पद से ही लेते हैं, क्लियर। तो ये सीता च राम च का सामासिक पद बना सीता राम, पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्र पुष्प फलानी, एक वृक्ष में पत्र भी अपनी सार्थकता लिए हुए हैं, पुष्प भी अपनी सार्थकता लेता है और फल भी, तो इसका क्या हो जाएगा पत्र पुष्प फलानी। इसी तरह माता च पिता च, तो इसका हो जाएगा सामासिक पद पितर, पानी च पादव च, तो पानी पादम, मुखम च नासिका च अन्यो समाहारा, मुख नासिकम, एक मुख में मुख भी जरूरी है और नाक भी जरूरी है, तो क्या हो जाएगा मुख नासिकम, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास में, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर समझिए कि हम जो समास पढ़ रहे हैं, जब हम उस समास को बनाते हैं तो हमें अपने दिमाग में अलग से एक प्रति कल्पना हमारी होती है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो जब ऐसे शब्द ऐसे अर्थ हमारे सामने निकलते हैं तो ये होता है बहुव्रीहि समास। मतलब जो पद है उनकी तो प्रधानता है लेकिन उन पदों को पढ़ने से हमें अन्य अलग पद की भी जानकारी होती है, तो ये जो अन्य पद की जो प्रधानता हमें होती है यही बहुव्रीहि समास है कि आप जिस पद को पढ़ रहे हैं उस पद को मिलाने पर उसका अलग अर्थ भी निकल रहा है और उस अर्थ को हम समझ रहे हैं। आप लोग अपना अपना माइक माइक म्यूट करिए आप लोग। माइक म्यूट करिए आप लोग। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे
आपको देखिए समास विक्रम में बता रहा है शुक्लम अंबरम यस्या सर, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली। श्वेत वस्त्र कौन धारण करती है, दिमाग में आता है श्वेत वस्त्र तो सरस्वती जी धारण करती है। तो इसमें जब हम शुक्लम अम्बरा यस्या सा जो शब्द है वो आपके अव्यय पद है, शुक्लम अम्बरम को हम जब सामासिक पद में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, शुक्लाम्बरा। क्लियर, शुक्लाम्बरा बनेगा और इनके साथ लग जाएगा सरस्वती। तो ये है बहुव्रीहि समास। जैसे सेकंड आपको दिया है लंबम उद्रम यस्य स, जिसकी लंबी सूंड है तो कौन है लंबी सूंड वाले, गणेश। पीतम अम्बरम यस्य स, पीतांबरा, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले विष्णु जी। चत्वारी अन्यानि यस्य स, चतुराना चार मुखों वाले कौन होते हैं, ब्रह्मा जी। तो इस तरह से हम जब इस समास को पढ़ते हैं और हमें अन्य अलग समास की प्रधानता मिलती है तो ऐसे समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? यस मैम। अब आइए द्विगु समास। अब आगे है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास प्रायः समाहार समूह में होता है। समाहार मतलब होता है समूह में। और इसमें सबसे क्लियर आपको ये बता रहा है कि जिस पद में पहला पद आपको संख्यावाची लगे, पहला पद यदि संख्यावाची है तो बिना सोचे समझे आप उसे द्विगु समास बता सकते हैं। जैसे आपके उदाहरण में दिया है त्रयाणाम फलानाम समाहार। तो त्रयाणाम, त्रय क्या हो गया, तीन, ये आपका संख्यावाची शब्द हो गया। संख्यावाची शब्द होने के कारण ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अब त्रयाणाम फलानाम समाहार का ये तो समास विक्रम में है, अब हम इसको एक पद में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह त्रिफला हो जाएगा। उसी प्रकार चतुर्णाम युगानाम समाहार, चतुर्युगम। पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचपात्रम। सप्तानाम अहानाम समाहार, सप्ताह। ये समूह शब्द में ही और लिखे जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम कर्मधारय समास। जिस समास में विशेष्य विशेषण यह है आपका कर्मधारय समास। जिस समास में विशेष्य विशेषण भाव होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के लिंग वचन विभक्ति समान होते हैं और इसमें जो पद रहेंगे वो विशेष्य और विशेषण भाव से होता है। इसमें जिसमें विशेष्य और विशेषण दोनों भाव मिले वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। इसमें दोनों पदों के लिंग वचन विभक्ति समान होते हैं। जैसे आपको दिया नीलम कमलम समास विग्रह में, तो इसमें क्या रहा है, कमल है पर वो कैसा है, नीला है। इसमें विशेष्य और विशेषण दोनों बता रहा है, विशेषण है, विशेष्य बता रहा है कमल की और विशेषण बता रहा है नीले की। तो इसमें आपको दोनों भाव मिल गए, विशेष्य और विशेषण। तो सामासिक पद इसका हम नीलम कमलम को बनाएंगे, नील कमलम। क्लियर। इसमें जिस समास में आपको विशेष्य और विशेषण दोनों भाव मिले उसे कर्मधारय समास कहेंगे। इसी तरह कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प है, काला सर्प बता रहा है पर कैसा, काला, कृष्ण के रूप। तो इसमें क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्प, इसमें भी आपको विशेष्य विशेषण। तो इस प्रकार के जो समास होंगे वो आपके कर्मधारय समास कहलाएंगे। इसी तरह आगे है आपको पीतम अम्बरम पीताम्बरम, घन इव श्यामा घनश्यामा, महान चासौ देवा महादेवा, महान चासौ कवि महाकवि, दीर्घ च सा नदी दीर्घ नदी, जीर्णम च तत् उद्यानम जीर्णोद्यानम। तो आपका समास यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आपको कहाँ पर डाउट है आप पूछ सकते हो। मैम एग्जाम में जैसे कि हम लोग को दे दिया जाएगा एक साइड पे, फिर हम लोग को पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना समास का।
हाँ, आपको जनरली सामासिक पद देता है। इसमें देखिए, जैसे सामासिक पद दिया है ना, नील कमलम, यदि सामासिक पद दे रहा है तो आपको समास विग्रह करने के लिए बोलेगा। जैसे ये अगर दे रहा है सामासिक पद, तो आपको क्या बनाना है? समास विग्रह करना है। क्लियर? समास विग्रह। और यदि हाँ समास विग्रह दे रहा है तो आपको ये वाला रूप देगा, ठीक, ये रूप देगा, तो आपको उस इसमें क्या बनाना पड़ेगा? ये वाले रूप को बनाना पड़ेगा, सामासिक ये पद। रूप को बनाना पड़ेगा। हाँ, ये एक पद है, ये जो है ये एक पद में लिखा गया है, और ये अनेक पद है, अन्य पद, मतलब हम अनेक पद से एक पद में आते हैं तो समास कहते हैं। तो ये हमारा मेन है सामासिक पद, ठीक। तो आपको समास एक पद दे दिया, ये सामासिक पद दिया, तो आपको समास विग्रह बनाना है, और यदि समास विग्रह दे रहा है तो आपको सामासिक पद बनाना है, और इसके बाद आपको यहाँ साइड में समास का नाम भी लिखना है, ठीक। यहाँ पर आपको समास का नाम भी बताना पड़ेगा कि कौन सा समास। क्लियर हो गया आपको? मैम कैसे पता चलेगा, मैम कैसे पता चलेगा समास का नाम, मैम समास का नाम कैसे पता चलेगा, समास का नाम कैसे पता चलेगा? समास का नाम पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? जैसे आपको सामासिक पद दे दिया नील कमलम, ठीक, अब हम इसको समास विग्रह किए, नीलम कमलम बनाए, तो हमें पढ़ने से पता चलेगा नीलम कमलम मतलब नीला है कमल, तो इसमें नीला भी बता रहा और कमल भी बता रहा, विशेष और विशेषण दोनों बता रहा, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? कर्मधारय समास। आप इसे कौन पहचानोगे? कर्मधारय समास। इसी तरह बाकी जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे समास को आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले उनके अर्थ को पढ़िए, उसके बाद उन शब्द समासों को पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, यस मैम। और किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। मैम अभी हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम दिए थे मैम, उसका फिर हम लोग को इसमें शीट मिल गया है क्या? हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम दिए थे तो क्या हुआ मैम, उसको फिर हम लोग को शीट मिल गया है क्या, उसका रिजल्ट? हाँ, आपका रिजल्ट तो बन चुका है। क्या है इसमें? वो आपको बताया जाएगा, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होगा तो फिर आपको बताया जाएगा, पेरेंट्स को साइन के लिए बुलाया जाएगा तब। अभी तो खैर स्कूल खुल नहीं रहा है इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके ओके मैम। ओके ओके, तो आज हमने समास वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ये मैं समास समझाती हूँ। जिन बच्चों ने ग्रामर कॉपी में समास नहीं लिखा है वो प्लीज ग्रामर कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे समास और सामासिक, सामासिक पद और समास विग्रह दोनों पूछूंगी और आप आंसर देंगे मेरे को। ओके, तो आप प्रिपेयर होकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। यस, तो हम मीटिंग को यहीं पर एंड कर रहे हैं और मैं इसके नोट्स आपको भेज दे रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके ओके मैम। ओके मैम।